और देखिए इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे साजिश यहाँ पर रची गई, लेकिन रिपब्लिक भारत के पास एक तस्वीर है जो कि हम आपको दिखाएंगे और इसमें आपको पता चलेगा कि आरोपी संजय रॉय का कनेक्शन आया है सामने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से अरूप दत्ता, जिससे पूछताछ की जा रही है। देखिए एक तस्वीर रिपब्लिक भारत के हाथ लगी है, वो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। संजय रॉय आपको सामने नजर आ रहा है और अरूप दत्ता भी इस वक्त आपको नजर आ रहा है इस तस्वीर में। और आपको ये बता दें कि इस तस्वीर में दोनों एक साथ है। सीबीआई अब तक आरोप से 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है और लगातार उसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या कनेक्शन है संजय रॉय से। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आपने देखी और ये वही सब इंस्पेक्टर है जिसकी तस्वीर आपने कल देखी थी कि दौड़ लगाकर जो सीबीआई के दफ्तर पहुंच रहा था ताकि मीडिया के सवालों के जवाब से वो यहां पर बच सके। लेकिन कैसे वो रडार पर है, ये पुलिस इंस्पेक्टर कैसे रडार पर है सीबीआई की, वो भी हम आपको बता देते। एएसआई अरूप दत्ता से 8 घंटे तक की जो लंबी पूछताछ है वो अभी तक इस मामले को लेकर हो चुकी है। एएसआई अरूप दत्ता की भूमिका इस पूरे मामले को लेकर संदिग्ध बताई जा रही है। संजय रॉय का बेहद करीबी है अरूप दत्ता, जिसकी तस्वीर के जरिए पुष्टि होती है। मर्डर की बात में अरूप से मिला था संजय, इस बात की भी पुष्टि होती है। कई कॉल्स किए गए थे अरूप के बैरक में, रात भर संजय रॉय रुका हुआ था इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद। कोलकाता पुलिस ने असिस्टेंट इंस्पेक्टर है अरूप दत्ता, यह भी आपको बता दें कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर है जिससे पूछताछ की जा रही है। संजय और अरूप के संबंधों की जांच अब सीबीआई लगातार कर रही है। संबंध बहुत घनिष्ठ थे, इसकी पुष्टि संजय रॉय के पड़ोसियों ने भी इस मामले को लेकर की है कि किस तरीके से लगातार पुलिस वालों का आना जाना और जो रिश्ते थे पुलिस वालों से, वर्दीधारियों से कोलकाता के, वो बेहद करीब थे संजय रॉय के, ये आपको बता दे। तो लगातार अब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। रुक करते हैं महिमा का। बिल्कुल, और देखिए कोलकाता पुलिस का एएसआई अरूप दत्ता आरोपी संजय का करीबी बताया जा रहा है। अरूप दत्ता की बैरक में रहता था और संजय रॉय वारदात के बाद इसकी बैरक में भी पहुंचा था, ये भी खबर मिल रही है। आरोपी संजय ने अरूप को कई बार कॉल्स किए। संजय रॉय और अरूप दत्ता की फोटो भी सामने आई है, वो भी आपको लगातार हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर के आधार पर लगातार अरूप से अब सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी लगातार लोग कर रहे हैं और पुलिस ने जबरन इनको हटाया था। इंसाफ के लिए आवाज उठाने वालों को पुलिस लगातार निशाना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा था कि प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग ना किया जाए, लेकिन डॉक्टर बेटी के लिए जो प्रदर्शन कर रहा है उसी पुलिस लगातार हिरासत में ले रही है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस उनको हिरासत में लेते हुए इस वक्त नजर आ रही है। तस्वीर थोड़ी देर पहले की आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीर है। कोलकाता में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने जबरन इनको हटाया यहां से। ये देख लीजिए आप तस्वीरें, देखिए जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं न्याय की, उन्हीं को जेल में भेजा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता से इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आप देखिए कैसी तस्वीरें सामने आई। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं, सवाल ये भी कि अब यहाँ को इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए पीड़ित परिवार वालों को, इसके अलावा ये भी मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर्स में सुरक्षा, अस्पताल में सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनको ही पकड़ा जा रहा है। और अब बात प्रदर्शन की करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी लगातार ममता सरकार के खिलाफ में आक्रोशित है, प्रदर्शन कर रही है और सीधे सीधे सरकार पर लापरवाही और अनदेखी करने का आरोप लगा रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए हमारी मांग सिंपल है, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, जो ऑब्जर्वेशन दिया है, इसके बाद पहले तो सीपी को हटाना चाहिए। इमीडिएटली सीपी शुड गिव द रेजिग्नेशन एंड ममता बनर्जी हरसेल्फ शुड रिमूव द सीपी एंड ही शुड बी सेंट टू कंपलसरी वेटिंग। दिस इज आवर फर्स्ट डिमांड। सेकेंड डिमांड इज ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कल की जो घटना घटी, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो पूरी तरीके से दिखलाता है कि इस सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में फेलियर हुआ है और जबरदस्त फेलियर हुआ है।
आज भी एक महिला का बॉडी मिला है आनंदपुर बोल के एक जगह में हर रोज। इसलिए हमारी मांग साफ है कि पूरे स्टेट में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। क्या नहीं, टीएमसी तो जनता की हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि टीएमसी डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करती है। टीएमसी आवाज दबाने में लगी हुई है, लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं बीइंग द मेन पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, वी विल प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ हेल्प, प्लीज कॉन्टेक्ट अस, हमारे साथ आइए, हम आपको, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो ना हो, बीजेपी के समर्थक हो ना हो, आपको लीगल सपोर्ट देंगे। आपका भी अधिकार है डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का, और वो हम मानते हैं और उसको लागू भी करते हैं। वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक आदमी का काम नहीं है ऐसा हमें लगता है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार को आप सुन रहे थे, जो कि लगातार ममता सरकार पर यहाँ पर सवाल खड़े करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। कोमल, आपके पीछे में तस्वीरों में देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, अभी भी कह रहे हैं मांग पूरी नहीं हुई, नंबर वन न्याय मिलना चाहिए और अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित हो। न्याय की मांग को लेकर के तो डॉक्टर्स यहाँ पे जंतर बंतर में एकजुट हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए सीपीए की मांग कर रहे हैं, यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अभी आगे थोड़ा आपको लिए चलते हैं, आगे की आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो देखिए किस तरह से ये नुक्कड़ नाटक के जरिए न्याय की मांग कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए ये आरजे कर्मी जो उस दिन हादसा हुआ था उसको दिखा रहे हैं कि देखिए जितने भी डॉक्टर्स हैं जंतर बंतर में धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन ये अनूठा तरीका भी इन्होंने अपनाया है कि यहाँ पे बेसिकली देखिए किस तरह से नुक्कड़ नाटक के जरिए ये दर्शा रहे हैं कि किस तरह से आरजे कर्मियों से जो घटना होती है, साथ ही साथ न्याय की मांग कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां आप देख सकते हैं, सर्कल बना लिया इन्होंने और हाथों में इनकी तख्तियां हैं। सुबह करीब 11 बजे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और उसके बाद से लगातार इनकी एक ही मांग है कि जब तक सीपीए नहीं बनता है, यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनता है, पूरी तरह से न्याय नहीं मिलता है, प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। हां जी, पूरी तरह से न्याय नहीं मिलेगा, सीपीए नहीं बनता, प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल, अलग अलग तरीका अपना रहे हैं प्रदर्शन को लेकर के, लेकिन इस बीच आपको थोड़ा आगे भी लिए चलते हैं, देखिए लगातार यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है, डॉक्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से लगातार सीपीए की मांग है, कहना है सीपीए जब तक नहीं बनेगा प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक ये सीपीए हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारी दो मेन मांगे है, एक हमें विक्टिम के लिए जस्टिस चाहिए और दूसरा हमें सीपीए चाहिए। जिस तरीके से दिन ब दिन हमारे खिलाफ डॉक्टर्स के खिलाफ अगेंस्ट मतलब देखिए सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है बल्कि महिलाओं की भी बात है। जी महिलाओं की बात तो है ही, ऑब्वियसली ये सबसे पहले तो महिला सेफ्टी का इशू है ना, अगर आप वर्क आपकी ड्यूटी के प्लेस पे आप सेफ नहीं है तो आप कहाँ सेफ है। सर कलकत्ता से एक ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है कि जितने डॉक्टर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ प्रोटेस्टर्स हैं उनको वहाँ के बंगाल की पुलिस उठा करके लेके जा रही है। I don't want to go political, उससे related आप RDSS stand ले सकते हैं, but we want justice. Yes. And जो भी कोलकाता में हो रहा है we are not that much aware of that, जो अभी हो रहा है, और अगर अवेयर है भी तो we are not in a stand. घटना को लेकर के ही लगातार सॉरी कोलकाता की घटना को लेकर के देखिए लगातार ये जो है मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ इनका यही कहना है कि न्याय मिलना चाहिए और इसके साथ ही CPA यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बन जाना चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम आज डे 10 ऑफ द स्ट्राइक हो गया, सो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फेवरेबल बोला है एंड वी आर वेरी थैंकफुल, लेकिन अभी तक यूनियन गवर्नमेंट ने उस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने साफ मना कर दिया था, जो भी लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी हेल्थ सेक्रेटरी के साथ उन्होंने साफ मना कर दिया था कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत नहीं है, बट हमारे अकॉर्डिंग ज़रूरी है क्योंकि स्टेट लॉज सारे स्टेट के लिए नहीं है एंड देयर आर मेनी लूप होल्स इन द स्टेट लॉज। और दूसरी बात कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा तो सारे स्टेट में ना कोई उम्मीद। आप बिल्कुल कोमल, आप लगातार बात कर रही हैं इन महिलाओं से, ये डॉक्टर्स हैं जो सड़कों पर उतरे हैं, और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर कोई जवाब चाहता है और इंसाफ चाहता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।